गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम राशिद अली है। मेरे स्मार्ट टेक आर चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं भारत बेंज की 3723 मॉडल की वीडियो के साथ आया हूँ। और जो मैं आज बताऊँगा कि इसकी गाड़ी की जो चेजी की लंबाई है 28 फीट चेजी की लंबाई है इसका। इसके अंदर टेल लैम जो दिए हैं वो LED टेल लैम यूज़ किए गए हैं। और जो टायर हैं ये दो तरीके के टायर आते हैं। एक ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं, अब ये रेडियल टायर हैं। और जो इसमें सस्पेंशन दिया है सेमी एलिप्टिक सस्पेंशन है, लेकिन ऑसिलेटिंग लीवर के साथ दिया है, बेल क्रिंग के साथ नहीं दिया है। ये पुशर एक्सल है, 3 स्टेप पुशर एक्सल है। इसका बैलून जो है 3 स्टेप बैलून के अंदर यूज़ किया गया है। और जैसे कि अब मैं आपको व्यू करके दिखा रहा हूँ, करीब से आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 स्टेप इसके अंदर दिए हैं। यह लोडिंग कैपेसिटी को अच्छी तरीके से कैरी कर सकता है। और ये सेम एज इट इज़, जैसे मेरी पिछली वीडियो आपने देखी थी, वैसे ही सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। ब्रेक सिस्टम भी ABS ब्रेक सिस्टम इसके अंदर यूज़ किया गया है। और ये आप लेन देख सकते हैं। इसका जो डीजल टैंक है वो 380 लीटर का डीजल टैंक है। एड ब्लू जो है 60 लीटर का एड ब्लू टैंक दिया है, जिसमें 51 लीटर इसके अंदर फिलअप होएगा। और आप देख रहे हैं डबल एक्सल, इसमें फ्रंट एक्सल जो होता है वो डबल एक्सल फ्रंट एक्सल इसके अंदर दिया है। एड ब्लू आप देख सकते हैं, एड ब्लू टैंक इसका। और डीजल टैंक भी आप देख सकते हैं, डीजल टैंक काफ़ी स्ट्रॉन्गली डीजल टैंक इसमें यूज़ किया गया है। और आप देखिए, मैं आपको करीब से व्यू करके दिखा रहा हूँ। ये ऑक्सिलरी टैंक इसके अंदर यूज़ किए गए एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए, जैसे ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा प्रेशर हॉर्न वगैरह के लिए ज़रूरत होती है। ये पर्ज टैंक इसके अंदर यूज़ किए गए। ये एंटी ब्रेक मॉड्यूलेटर जिसमें यूज़ किए गए हैं। इसमें जो गेयरबॉक्स है वो G131 गेयरबॉक्स इसके अंदर यूज़ किया गया है। और ये देख रहे हैं आप, पावर स्टेयरिंग है, उसका सिलेंडर दिया है जो डबल एक्सल जो है स्टेयरिंग कट करने का, ट्विन स्टेयरिंग जो होता है उसको टर्न करने के लिए ये बहुत ईजी काम करवाता है। तो ये गेयरबॉक्स आप देख रहे हैं, G131 गेयरबॉक्स है। इसका जो टॉर्क है 1300 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। और आप देख रहे हैं कि इसका जो ये शेकल टाइप में जो इसका डिज़ाइन दिया है वो और गाड़ियों से और मज़बूत है, काफ़ी ज़्यादा मज़बूती से इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। इसका डार्क लिंक इसको इंस्टॉल किया गया है। और ये प्रेशर लाइन है, पावर स्टीयरिंग की प्रेशर लाइन दी गई है जो इजीली स्मूथली गाड़ी को टर्न करने में ये मदद करते हैं प्रेशर लाइन। ये आप करीब से देख सकते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं वो एड ब्लू सिस्टम की मैटरिंग यूनिट यूज़ की गई है, यहाँ से इंजेक्शन होता है। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा करीब से मैं केबिन को दिखा रहा हूँ। ये केबिन का डिज़ाइन सेम है, मेरा जो पिछला वीडियो था वो सेम केबिन, तो भारत बेंज जो बनाती है वो सारे के सारे केबिन सेम एरोडायनेमिक केबिन बनाती है। तो इस केबिन के अंदर ये 3723 मॉडल में, अगर आपने 3723 का जो टॉप मॉडल लिया है, फेसलिफ्ट मॉडल लिया है, उसके अंदर AC भी आती है और रियर कैमरा भी लगा हुआ होता है इसके अंदर। तो वो आपकी पसंद है कि आप AC लेना चाहते हैं या नॉन AC गाड़ी लेना चाहते हैं, तो वो दोनों ही भारत बेंज के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं केबिन का डिज़ाइन वगैरह सारा, बाकी आपने पिछली वीडियो से देख चुके होंगे। मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने पूरा व्यू करके दिखाया है। और थोड़ा सा मैं आपको और करीब से दिखा देता हूँ। ये 3723 मॉडल है SD इन पावर में। जो इसके इंडिकेटर दिए हैं वो LED टाइप के इंडिकेटर दिए गए हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ हो। ग्रिल वगैरह ये सब पैनल, साइड के पैनल वगैरह, कॉर्नर साइड सब चेंजेस हैं इसके अंदर। और ये आप देख रहे हैं पूरे बराबर से टायर का, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर नायलॉन टायर, रेडियल टायर इसके अंदर यूज़ है। ये आप देख रहे हैं सस्पेंशन, पैराबोलिक सस्पेंशन यूज़ किए गए हैं दोनों फ्रंट एक्सलों में। बैटरी है, वन बैटरी का जो सिस्टम इलेक्ट्रिक सिस्टम है, 24 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। बैटरी वन बैटरी 120 AH की बैटरी इसमें यूज़ की गई है। अल्टरनेटर की जो कैपेसिटी है वो 80 एम्पियर का अल्टरनेटर इसमें यूज़ किया गया है। ये सामने देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक यूनिट पम्प इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। इंजन के अंदर जो यूनिट पंप है वो यूज़ किया गया है। साइड में इसका जो हैंड प्राइमर यूज़ किया गया है, अगर एयर ले जाए गाड़ी को, फ्यूल डीजल डलाओ उसके बाद पंप करो गाड़ी को, एक 1 सेकेंड तक 160 सेकेंड तक आप उसको क्रैंकिंग कर सकते हैं, उसके अंदर ही अंदर गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं से पाइप खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई एयर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं एयर जो रूफ लाइनर है वो कार जैसा इसमें यूज़ किया गया है, ताकि हीट को जल्दी से ऑब्जर्व करें। और बहुत जल्दी कूलिंग भी, अगर गाड़ी में AC है तो कूलिंग भी जल्दी हो जाता है इसका। और ये सीटिंग वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल सीटें इसके अंदर यूज़ की गई हैं, फोल्डेबल सीटें इसके अंदर। कंडक्टर साइड आप अगर लेटना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो एक पुश बटन होता है अंदर की साइड में,
उसको खींचने के बाद आप वो डाउन हो जाएगी और आराम से आप पूरा रेस्ट कर सकते हैं। ये फोर्थ स्टेप रखने के कनेक्टर के लिए फोर्थ स्टेप है जो रख के वो बैठ सकता है इजीली। तो ये मेरा जो वीडियो है मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा थोड़ा जगह जगह का मैं व्यू करके दिखा रहा हूँ। ये एलईडी इंडिकेटर साइड में दिए हैं इसके अंदर और आप देख सकते हैं, और भी थोड़ा सा कैमरे में दिखा रहा हूँ आपको केबिन का। सैतीस मॉडल की भारत में इसकी वीडियो दिखा चुका हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।